हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब मजे में हो, मस्त हो, जिंदगी जी रहे हो। हम लोगों का है वीकेंड, बट इट डजेंट फील लाइक वीकेंड क्योंकि मुझे आज भी ऑफिस जाना है, हमें कहीं बर्थडे पार्टी में जाना है, एसी घर का साफ करना है, तो बहुत सारी चीजें हैं करने को। तो ऐसा कोई वाइब नहीं आ रहा है कि वीकेंड है। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता। आई जस्ट वोक अप, मर्फी को वॉक कराने लेके जाती हूँ। गुड गुड बेबी, बाहर वॉक पे जाना। सबसे पहले हम इसकी ना आईज क्लीन करते हैं सुबह उठते ही। तो ये है फेशियल टिश्यू, दीज आर द लिंट फ्री फेशियल टिश्यू। तो इनको ल्यूक वॉर्म वाटर में डाल के थोड़ा सा स्क्वीज करना है। इसमें अभी भी अगर मैं इसको देखो कर रही हूँ तो पानी निकल रहा है। एंड देन बहुत जेंटली हम इसकी आईज के ऊपर से करते हैं, जस्ट स्लाइडिंग, समझ रहे, नॉट रबिंग एट ऑल। ये देखो, तो कैन यू इमेजिन कि इनकी आंखों को कितना ज्यादा गंदा होता है अंदर से, तो क्लीन करना चाहिए हमें। तो अभी उसी को मैंने पूरा ओपन करके मर्फी के जो टीयर स्टेन्स होते हैं ना, मैं इसी से साफ कर देती हूँ, क्योंकि मैं आईज काफी क्लीन रखती हूँ तो उसके इतने टीयर स्टेन्स होते ही नहीं है। आई अवॉइड यूजिंग केमिकल्स, जो वाइप्स आते हैं मैंने कभी यूज ही नहीं किए, सच बोलो तो। अवॉइड तो क्या, आई नेवर यूज इट। तो पहले इससे साफ कर लो थोड़ा सा, एंड देन यूज दिस स्टील टूथ कॉम्ब, उससे ना यहाँ पे आप कॉम कर लीजिए, ताकि जो स्टेन की वजह से यहाँ बालों में कभी वो वाइट वाइट सा लग जाता है ना, तो वो सब निकल जाता है फिर। दिस इज जस्ट हाउ आई क्लीन हिज आई एरिया। है ना, पोनी करते टाइम ना, मतलब ऑप्शनल है, अगर कुछ नीचे सपोर्ट दे दो ना तो उनको एक रिलैक्सिंग सा फील होता रहता है, तो आराम से करा लेते हैं। मफी तो छू ही जाएगा अभी धीरे धीरे। ये देखो आंखें, देखो इसकी, स्पा लेने आया तू, बड़ा मजा आ रहा है। जो हम रबर यूज़ कर रहे हैं ये प्लास्टिक का रबर नहीं है, तो मेक श्योर करो कि आप भी प्लास्टिक का रबर ना यूज़ करो। और जब आप टाई करते हो तो बिल्कुल एंड तक ना जाया करो। तो जैसे मैं जस्ट एक बार करके, नाउ आई एम गोना लीव इट, ताकि उसके हेयर ना पुल हो। मैं और मर्फी निकल गए हैं वॉक पे। देख रहे हो जनाब जी को जगह ही पसंद नहीं आ रही है भाई, बहुत तंग करता है ये सुबह सुबह। जल्दी आ जा मर्फी, इतना सुंदर सा स्पॉट है, यहाँ पे भी तुझे सुसु नहीं करनी है, अभी जगह नहीं पसंद आ रही। फाइनली चलो चलो आ जाओ। समझ सको तो समझ लो क्या बोल रहा है। हॉस्पिटल वाले ने बेले बेले हाय 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 हाय। हो देखो देर हो गया, वॉक करके आया, सो गया। ये हमने लिया था एक्सरसाइज बॉल क्योंकि मेरी बैक में इशू हो रहा है, और हम दोनों इतने आलसी हैं कि हैंड पंप की जगह हमने लिए। उन्होंने एक हैंड पंप दिया है यहाँ पर, लेकिन ये हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा थोड़ा कार्डियो हो जाएगा ना हमने यूज कर लिया तो, है ना। हम इतना खाना खाते हैं, मेहनत से कमा के कैलोरीज बनाते हैं, हम क्यों बर्न करें कैलोरीज। हाँ। हवा मारने के लिए। ये चल के नहीं आ सकता है, बिगाड़ा हुआ है बिल्कुल। उस हिसाब से तो उड़ के भी आ सकता है। हाँ, उड़ के आ सकता है। उसके पंख ही चाहिए यहाँ पे दिखाने के लिए, ऐसे करके एनिमेशन लगा देंगे इसमें। हाँ। पंख है, उड़ रहा है। ओके, और कुछ? हाँ बैठो, एंगल बना रहा है। स्टाइल देख रहे हो, कुकड़ी मेरी, गुगड़ी मेरी, नोनो मेरी। चुप कर, अपनी सड़ी सी आवाज लेकर निकल यहाँ से। आपको भी नींद आ रही है? अच्छा लगता है यहाँ बैठ के ना, बहुत अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए। चल रहा है, अच्छा लग रहा है। ये वाला जो टॉय है ना, मर्फी की जान बसती है इस टॉय में। वाइब्रेशन देखो बैकग्राउंड। आज तो दंगे हो गए रहेंगे, मैंने बोल दिया। ओके, पहले सिट सिट सिट, मैंने बोला सिट सिट सिट। ये कौन देगा, ये कौन देगा? पीछे आके लड़ूंगा, आमने सामने, पीठ के पीछे बार नहीं करता मैं। अरे थोड़ा सा भी गिर जाता है वो पकड़ के ले जाता है, फिर भाग गया। नहीं भाग गया, भाग गया। रुको 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 रुको। मम्मा ने मुझे कैसे खाती है, देखना देखना देखना, मम्मा ने जट की मुझे खराब कर दी। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? गंदी मम्मी, मम्मी ने मेरी मुझे खराब कर दी। पर तू हिल रहा था ना, तो तुम बड़ी ग्रूमिंग मास्टर बनती हो, सबको बड़ी ग्रूमिंग सिखाती हो, तो तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए था ना अपनी सीजर पे। चले मम्मी के ऑफिस जाना। हाँ क्यों नहीं, अभी नहीं, पहले रेडी होना है। अपने ऑफिस बोल दिया तो मेरे पीछे आ गया वो उठाना तुझे। ओ, ओ, यही चलता है यहाँ पे, यही चलता है, यही बिकता है ये। मर्फी तुम्हें जाना है कि तुम्हें यहीं पे बैठ के चप्पल काटना है? जब मैं वीकेंड्स पे जाती हूँ ना, तो बैग का साइज नहीं होता है। एक एक चाबी के लिए पूरा बैग ले लेते हो? जब मैं वीकडेज पे जाती हूँ, इतना बड़ा बैग होता है, ऐसे ऐसे
और ये वीकेंड का बैग, ये तो मर्फी उठा ले, मर्फी को ही पहना दो ये। हाँ वही तो। ये चलो शूल चले हम, चलो आ जाओ, चलो मर्फी आ जाओ, लेट्स गो। कब आए? और ये चल रहा है, चल रहा है। कितना क्यूट लग रहा है। बैग क्यों नहीं उठा के लाया मम्मा का तू? हैं? फटी मूंछ वाले? लड़ाई करा लो, जब मर्जी करा लो, गुच्छा करा लो, कितना भी करा लो। आए धूप पड़ रही है मुंह पे, बैठ जा। गोरा है ना, ऐसे आता है इसे आटा होता है, फिर आटे की पूरी है। आटे की पूरी खींच के 5 मिनट भी नहीं हुए अभी। ये देखो एसी फुल चल रहा है, ड्रामे कम कर। हाँ गड़गड़ कर ले। कैसा बच्चा है ये, हमारे माँ बाप ना मारते हमें। मैंने तो बहुत डांट खाई अपने घर वालों से, मैं बहुत शरारती बच्चा थी, मम्मी से स्पेशली। हार्डली कोई ऐसी चीज होगी जिससे मैंने मार नहीं खाई है मम्मी से, मतलब मेरे भाई ने भी खाई है, बेलन, चप्पल। चप्पल तो बोलता कुत्ता और चप्पल। हाँ क्या आता था चप्पल? आपको भी पड़ी है? नहीं, मुझे पकड़ के मारा जाता था ना, कि दूर से, क्योंकि मैंने तो भगाता रहता, मैं मतलब दौड़ते रहता कंटिन्यूस, तो मुझे बांध के मतलब पूरा पकड़ के बैठा लेना पड़ेगा कि मारना है अभी। पहले बांधो और फिर मारो। हाँ नहीं तो मैं भाग जाऊंगा वहां से। मार खाते खाते ऐसे नहीं कि मार रहे हो तो मैं बैठा हूँ, मार रहे हो तो मैं भाग रहा हूँ वहां से। और सबसे बड़ा इजी मम्मी का हथियार था पाइप, वो लंबी पाइप वाला पाइप। हाँ। उससे भी मार पड़ी हुई है, बता आपको, वो लंबी होती है ना, वहीं से मार देती थी मम्मी। और आज की जनरेशन को कोई बतानी है कि इन चीजों से भी मार पड़ सकती है। मम्मी आपकी ऑफिस तो मुझे पहले से पता है, कहाँ से कौन सा डोर में जाना है, क्या करना है। कभी नहीं आया। अच्छा, क्योंकि बैक साइड है ना। हाँ, where you cannot enter without your IDs. IDs. उसको पता है, सब पता है उसको, देखो। Look at this. Elevator outage. चलो मर्फी, थोड़ा सा कसरत हो जाए आज। रुको। मर्फी ये फर्स्ट फ्लोर ही कंप्लीट हुआ है, फिफ्थ फ्लोर तक तुझे जाना है। ये फोर्थ तंग निकल तंग निकल आ रही है धीरे धीरे। ऑलमोस्ट देयर मर्फो। Good job. जितना ऊपर जा रहे उसका टंग उतना बाहर निकलता जा रहा है। Completed. We made it. ये रीजन है हम मर्फी को क्यों नहीं लेके आती हूँ जब मुझे केमिकल्स के साथ काम करना होता है। हाँ। यहाँ पे बायोहैजर्ड्स है, गैस है, रेडिएशन है, इसलिए ये बंदे को रोज नहीं लाना। हम इसलिए लाए कि जस्ट 2 मिनट का काम, और मैं भी हूँ ना साथ में, हिमांशु साथ में है, तो ही कैन टेक केयर ऑफ हिम। इसलिए ये हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है रेडिएशन एक्टिव मटेरियल। अभी मम्मी बन रही है डॉक्टर, अब मैं ना आपकी बीवी हूँ ना इसकी माँ हूँ। एक्चुअली ये मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इनको रेडी कर रही हूँ, तो एयर ड्राई करने के लिए अभी ओवरनाइट छोड़ना। ये माधन चुप चुपचाप से देख रहे हैं, कुछ नहीं, कोई टच वच नहीं करेगा। इन बक्स को आपने कहाँ पकड़ा था? ये बक्स मेरे प्रोफेसर हैं, इनके साथ मैं काम करती हूँ, वो लेके आए थे, उनके घर पे थे। ओके चले चलो, अभी जो स्टेयर्स उतर के जाएगा चोले घूमर भी डालो पापा जाने, तो 5 फ्लोर में नहीं उतरूंगा। गाली दे रहा मुझे। हाँ चलो चलो चलते। मम्मी काम कर रही, तुम क्यों नहीं कर रहे? अरे बाबा, ओके 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 ओके, जा रहे। चलो। मैं ना आप लोगों को हमारे डिपार्टमेंट का गार्डन दिखाती हूँ। जब भी कभी बहुत ओवर एक्सर्शन हो जाता है ना काम से, तो यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। ये देखो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से फूल, बहुत सारे। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते हैं, लोग यहाँ पे डोनेट करते हैं, और उनका डोनेशन का पैसा ये सब इसकी टेक केयर में, फूल खरीदने हैं, प्लांट्स खरीदने हैं, उसमें ज्यादा है। एक बहुत यूनिक प्लांट लगाया था उन्होंने, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको भी मंगसु दिखाती हूँ, बड़ा मजा आएगा देख के आपको। ये देखो ओरिजिनल नहीं लग रहा ना? कैसा है ना, लेकिन ये ओरिजिनल है। ये देखो पापा को देखने दो ना, पापा लेडी बैठ के यहाँ पे घर से शांति में है। ये पता नहीं क्या चाहिए, टेबल के ऊपर चढ़ना है। इसके अपनी कहानियां चल रही होती हैं। वो आप लोगों को एम दिख रहा है? एम फॉर मर्फी। यही बोलने वाली थी मैं। मर्फी ने हम यहाँ पे झंडे गाड़े हुए हैं ना बहुत ज्यादा, इसलिए एम लिखा हुआ है। ये मुझे भी पहले कौन है गाड़ी में? ये वाला बच्चा, चलो आज पानी पीना बच्चे उसको। ये है हमारा इंडियन ग्रोसरी स्टोर पूजा ग्रोसर्स, यहीं पे आते हैं हम। वो देखो लेडीज आते हैं। Oh, so happy. पूरा दिन यही सब चाहिए इसको, फिर से नो ड्रामे कम करो। I'm
ले दो पापा मुझे आम ले दो थोड़े से अरे एक तो ले दो पापा एक तो ले दो एक ले 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 नॉर्मल फिनो ये ले खुश ये देखो इंडिया में जो नमकीन मिलते हैं मटकों में डाल डाल के यहाँ पे रखे हुए हैं जितना भी यहाँ पे ये सामान है जो बहुत इंडियन स्पेसिफिक है वो इंडिया से ही ये लोग लेके आते हैं स्पेशली ये मिर्ची हमें कहीं नहीं मिलती है यहाँ के अलावा है ना हिमांशु यहाँ पे हैलपिनोज मिलते हैं फेरानो पेपर्स मिलते हैं लेकिन ये नहीं मिलते हाँ, यहाँ पे कुरकुरे का दाम देखो $2 मतलब $2 ₹120 नहीं उससे भी ज्यादा कितने का है डॉलर का रेट अभी अभी साइड 80 के पास चल रहा है 160 रुपीस का खाना है कुरकुरे 160 दे तुरतुरे अंकल जी तुरतुरे दे दो तुरतुरे तो ये हम लोग ले रहे हैं आटा आई थिंक 10 किलो का आटा है ये हाँ. तो 10 किलो का हमें ये मिल रहा है 19 तो टैक्स वैक्स लगा के मतलब 21 तक मैं मान लेती हूँ तो कितने का हुआ ऑलमोस्ट 1700 का 1700 रुपए का हमें 10 किलो आटा आता है हम इतनी महंगाई वाली जिंदगी जी रहे हैं इतनी महंगाई है ना इंडिया वाले चिल्ला रहे हैं ना कि यहाँ पे टमाटर 200 रुपए किलो गए वो हमसे पूछो हम कितनी महंगाई में जीते हैं स्पेशली जब आप फर्स्ट जनरेशन हो जो इंडिया से यूएस आया है तो उनको कितनी आदत होती है ना कि डॉलर्स को कन्वर्ट करने की फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं मैंने तो अभी वैसे काफी कम कर दिया ये सब करना बट हाँ होती है ये आदत इसको यहाँ पे किचन में स्मेल आती है और ये आके यहाँ बैठ जाता है इसको जो भी पका रहे हो प्लीज खिला दो भाई मफू आ जाओ Oh my goodness! He's so friendly. He's so friendly. Murphy. What's up, please? Murphy. 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 Hey, Murphy. Hey, baby. Oh, he's trying to snatch your shoes. Manchu ho gaya prison. उसको एक्चुअली चाहिए हल्दीराम की कचौरी और यहाँ पे कौन सी कचौरी है जुगाड़ वाली दिखाना सर जुगाड़ जुगाड़ कचौरी बोले मैं नहीं खाऊंगा जुगाड़ वाली ये ना देख लेना पक्का मेरा कार्ड लगाया होगा हिमांशु ने देखना मैं पूछूंगी यही जवाब आएगा अपने कार्ड भी होते हैं हमेशा मेरे कार्ड पे बिल होता है हो गया चलो ये जो लुक थी ना उसने मेरे को मरखा तेरे बाप ने मेरा कार्ड यूज किया मैं श्योर हूँ एक बात पूछूं आप इधर देखो पहले है? जब पेमेंट किया किसका कार्ड यूज किया मेरा उसके बाद ये स्माइल क्यों आ रही है किसका कार्ड यूज किया आपका इतना डीट पति है मेरा यार अपनी बीवी के पैसों से खाना खाते अच्छा लगता है टेस्टी लगता है पूछो है ना आपके पास अपने कार्ड होते हैं मेरा कार्ड क्यों यूज करते हो और पता है फिर जब एंड ऑफ द मंथ मुझे बिल पे करना था मुझे हार्ट अटैक आते हैं क्योंकि गाड़ी की गैस का खर्चा ग्रोसरी और क्या डालते हो घर के जितने पानी का बिल बिजली का बिल सब मेरे कार्ड में डाला हुआ होता है और मेरे कार्ड का बिल ऐसे बूम ऐसे आता है मतलब लिटरली मेरे कार्ड का बिल आता है थाउजेंड्स में और इस बंदे के कार्ड का बिल आता है $100 $200 ऐसे आता है ओए समझा अपने बाप को मैं क्या समझा तूने ही तो पसंद किया था तू नहीं जाती करिए तो ये भुगत पानी पियो मर भी ऐसे कि मेरे बात पे पानी पी लो कितने डीट है देखना दोनों सेलिब्रेट कर